नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को दिए उपहार, पीएम के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। सीएम योगी ने कहा, अंत्योदय से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आजीवन माँ भारती की सेवा का परम सौभाग्य आपको प्राप्त होता रहे। पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले नोएडा डीएम के रैकेट की बोली 10 करोड़ तक पहुंची। ओलंपिक खेलों में जैकलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा के जेवलिन का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रखा गया था। बीजेपी कर रही कई बड़े कार्यक्रम, 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन, इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज से 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान, जेपी नड्डा ने की शुरुआत। नितिन गडकरी बोले, इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन की तरह बसों और ट्रकों को भी बिजली से चलाया जाएगा। मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए एक विदेशी कंपनी से बातचीत कर रहा है। मुंबई में मेट्रो का निर्माणाधीन पुल गिरा, 21 लोग घायल। मुंबई के बीकेसी इलाके में मेट्रो का निर्माणाधीन फ्लाई ओवर गिरने से 21 मजदूर घायल हो गए, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2035 सीपीओ से सैंड आर्टिस्ट ने बना दी ऐसी आर्ट, पीएम मोदी भी कहेंगे थैंक यू। सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है शेयर, इस सैंड आर्ट को पोस्ट करने के साथ ही ऑनलाइन हजारों लाइक्स भी मिल गए हैं। कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया यूजर्स ने सुदर्शन पटनायक के काम की सराहना की है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस मना रही यूथ कांग्रेस, देश में कई जगह कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस ने देश में बढ़ती बेरोजगारी के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। यूथ कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, लेकिन अब करोड़ों नौकरियां खत्म हो रही। अकाली दल के प्रदर्शन से दिल्ली जाम, कांग्रेसी बोले, कृषि कानूनों की नींव तो अकाली दल ने ही रखी थी। कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल ने आज हल्ला बोला और इसकी वजह से दिल्ली जाम है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कृषि कानूनों की नींव अकाली दल ने ही रखी है। 2 दिन पहले भी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अकाली दल को घेरा था। दिल्ली पुलिस ने अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर समेत 15 नेताओं को हिरासत में लिया। अकाली दल के ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट मार्च को दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी, इसके बाद भी अकाली दल के कार्यकर्ता रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर जमा हो रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। अकाली दल की समूची लीडरशिप, विधायकों, नेताओं और सरपंच लेवल तक के तमाम नेता दिल्ली पहुंच गए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, शाम 5 बजे तक 2 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन, देश में एक दिन में लगाई गई 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हुआ रिकॉर्ड टीकाकरण, देश में एक दिन में हुई 2 करोड़ से ज्यादा टीके की डोज लगने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सफदरजंग के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ खुशी मनाई। राहुल गांधी बोले, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर बीजेपी जनता के लिए काम करे। पुलवामा में बन रहा कश्मीर का पहला सिंथेटिक टर्फ हॉकी स्टेडियम, कश्मीर का पहला सिंथेटिक टर्फ हॉकी स्टेडियम पुलवामा जिले में बन रहा है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद केंद्र सरकार ने प्रदेश में विकास के कामों के लिए प्रयास शुरू किए हैं। सिद्धू के ट्वीट पर राघव चड्ढा का पलटवार, कहा ये पंजाब की राजनीति के राखी सावंत हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किसान कानूनों को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, जिसके बाद आप नेता राघव चड्ढा ने उन पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी बोली, मूसलाधार बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसानों को मुआवजा दे यूपी सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, मैं यूपी सरकार से निवेदन करती हूँ कि किसानों के नुकसान का आंकलन कर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। प्रयागराज में धूमधाम से मनाया गया पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन, स्वतंत्र देव सिंह ने काटा 71 किलो का केक। प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 71 किलो का केक काटा। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।